ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज 28वां सवाल, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी लाला लाजपत राय, सी बंकिम चंद चटर्जी या डी महात्मा गांधी। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। बिहार में फिर 16 दिन के लिए बढ़ा लॉकडाउन। राज्य सरकार ने कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की हुई बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद इसका फैसला लिया गया है। लॉकडाउन की अवधि को अब 1 अगस्त से बढ़ाकर अगले 16 दिन के लिए प्रभावी कर दिया गया है। वहीं बताते चलें कि बिहार सरकार ने 1 अगस्त से 16 अगस्त तक अनलॉक 3 का ऐलान कर दिया है। गृह विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है, लेकिन प्रदेश, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रहेगी। बसें नहीं चलेगी, निजी वाहन ऑटो टैक्सी से आने जाने की छूट रहेगी। वहीं रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को पूर्णतया प्रभावी रखा गया है। शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, रेस्टोरेंट और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है। सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50% कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है। दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिलाधिकारी देंगे। भागलपुर में पति पत्नी और वो, मौके पर पहुंची पुलिस, पत्नी के समक्ष बेबस। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार में पति पत्नी और वो का मामला सामने आया है। वहीं पत्नी अपने रेल पुलिस के एएसआई पति पर नाजायज संबंध रखने का आरोप लगाते हुए घंटों धरना पर बैठी रही। इस संबंध में पीड़ित कुमकुम देवी ने बताया कि उनका पति पीयूष कुमार रेल थाना भागलपुर में एएसआई के पद पर तैनात है। दोनों की शादी 29 अप्रैल 2007 को हुआ था। वहीं पति पत्नी एक ही साथ लाल कोठी में किराए के मकान में रहती थी। पीड़िता कुमकुम देवी की माने तो पति का 15 साल की नाबालिग लड़की से नाजायज संबंध का उन्हें जानकारी मिली है। वहीं दूसरी ओर मामले की भनक मिलते ही ततारपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को शांत कराने में जुट गई, जबकि पीड़िता ने पुलिस पर आरोपी पति से मिली भगत का आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। मकान में 15 साल की लड़की के साथ शादी करके सर रह रहे हैं सर। पहले हम यहीं पर लाल कोठी में उनके साथ रहते थे तो मारपीट करते थे, यहाँ तक गला चौंक रहे थे। तब हमको भगा दिया, हम केस कर दिए ततारपुर थाना में। हमसे अलग होके तब यहाँ डेरा लेके उस लड़की के साथ गुपचुप गुपचुप रह रहे थे। केस भी चल रहा है कोर्ट में। कब केस किए थे आप? हम 5 अगस्त 2017 में केस किए हैं सर। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी 29 अप्रैल 2007 ईस्वी में सर। बच्चे कितने आपके हैं? बच्चे 2 हैं सर, एक 10 साल का लड़का, 8 साल की लड़की सर। कोर्ट में केस चल रहा है सर, नहीं तो हम बाद में आपसे बात करते। रुकिए, भागलपुर, खादी के बने मास्क, गमछा, रुमाल और सैनिटाइजर अब डाकघर में उपलब्ध। कोरोना महामारी के बीच संक्रमण को रोकने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, रुमाल, गमछा जैसी अन्य जरूरी सामान लोगों को उपलब्ध करवाने के लिए डाक विभाग ने अपनी पूरी तरह कमर कस ली है। बकायदा इसके लिए प्रधान डाकघर में डाक शॉप का उद्घाटन प्रमंडलीय डाक अधीक्षक आरपी प्रसाद ने किया है। वहीं संबंध में डाक अधीक्षक ने बताया कि लोगों को सुलभ तरीके से और उचित कीमत पर डाक शॉप के माध्यम से खादी से बने उन्नत किस्म के मास्क, गमछा, रुमाल और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाया जाएगा। गंगा के जलस्तर में 24 घंटे में 4 सेंटीमीटर की कमी। गंगा नदी का जलस्तर इस्माइलपुर बिंटोली में पिछले 24 घंटे में 4 सेंटीमीटर की कमी हुई है। अस्पर संख्या 6N पर स्थित कैंप कार्यालय में मौजूद जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता इंजीनियर राजेंद्र सिंह ने उक्त जानकारी दी।
खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में बाधा, 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8228-9569-05, 88-73-97-36-80। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें 7488-8569-88-9234-62-33-33। नवगछिया में मास्क चेकिंग अभियान में 94 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क व वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 94 लोग बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल ₹4,700 जुर्माना वसूल किया गया है। इस अभियान में एक वाहन से ₹1,000 भी जुर्माना वसूल किया गया है। कोसी में उफान जारी, गंगा के जलस्तर में आई कमी। गंगा एवं कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण शुरुआती दौर में ही अनुमंडल के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण भूतनाथ बांध के टूटने के बाद कोसी नदी के बाढ़ का पानी कदवा के ठाकुर जी कचहरी टोला के दर्जनों लोगों के घरों में प्रवेश कर गया है। जलस्तर में वृद्धि होने से गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कों पर भी पानी चढ़ने लगा है। कोसी नदी के जलस्तर में इसी तरह वृद्धि जारी रहा तो बाढ़ का पानी सड़कों पर आ जाएगा, जिससे आधा दर्जन गाँव का मुख्य सड़क से संपर्क भंग हो जाएगा। वहीं इधर मदरोनी गांव में भी जल स्तर में हुई वृद्धि के बाद कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जल संसाधन विभाग के कनीय अभियंता सुबोध कुमार ने कहा कि कोसी नदी के जल स्तर में वृद्धि जारी है। वर्तमान में नदी 31.15 मीटर पर बह रही है। कोसी नदी वर्तमान में खतरे के निशान 30.48 से 76 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। नवगछिया के सैदपुर में पति पत्नी कोरोना पॉजिटिव। PSC गोपालपुर में गुरुवार को 12 ग्रामीणों की जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया है, जिसमें 4 ग्रामीणों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सैदपुर में आशा दंपति गोड़िहारी व बाबू टोला कमलाकुंड में एक एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उक्त जानकारी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु कुमार ने दी। नवगछिया में 2 BMP के जवान सहित 4 कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में गुरुवार को 25 संदिग्ध लोगों का कोरोना जांच किया गया। जांच में 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाए गए लोगों में नवगछिया व्यवहार न्यायालय में सुरक्षा में तैनात 2 BMP के जवान सहित राजेंद्र कॉलोनी के एक एवं शहीद टोला निवासी मृतक वृद्ध की पत्नी शामिल है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि संक्रमित पाए गए व्यक्तियों को आइसोलेट करने की प्रक्रिया की जा रही है। ढोलबज्जा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देख विनीत आनंद ने सैनिटाइजर का किया छिड़काव। ढोलबज्जा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए समाजसेवी विनीत आनंद ने गुरुवार को बाजार में सैनिटाइजर का छिड़काव किया। साथ ही इस संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करते हुए हाथ जोड़कर बेवजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहे थे। वहीं दुकानदारों व ग्राहकों को भी मास्क लगाने के लिए कहा गया। नारायणपुर छात्र राजद जिलाध्यक्ष का किया गया स्वागत। गुरुवार को नारायणपुर प्रखंड के राम जानकी मंदिर मथुरापुर में नव मनोनीत छात्र राजद जिलाध्यक्ष हेमंत सिंह को बनाए जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र राजद जिला उपाध्यक्ष कमल यादव, महासचिव सिंटू कुमार, जिलाध्यक्ष रोहन कुमार चंद्रवर्ती सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया जीजा के घर आई साली हुई लपाता। मुंगेर के हरिनमार अटसेलिया गांव से अपने जीजा के घर नवगछिया थाना क्षेत्र के रामनगर नगरह आई 16 वर्षीय युवती बुधवार शाम से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। परिजनों ने काफी खोजबीन करने के बाद अंततः मामले की सूचना पुलिस को दी है। जानकारी मिली है कि रामनगर नगरह गांव के किशन महतो की साली पिछले 2 माह से अपने जीजा के यहां रह रही थी। बुधवार की देर शाम वह रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। वहीं परिजनों ने लड़की के घर पर और अपने सगे संबंधियों के यहां दिन भर ढूंढा, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं चल सका है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका से डरे सहमे हुए हैं। वहीं इसके लिए परिजन ने अपना मोबाइल नंबर भी जारी किया है।
नारायणपुर में समस्तीपुर के ट्रक चालक को बोलेरो सवार पुलिस ने बुरी तरह से पीटा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 पर पुलिस की गुंडागर्दी भी सामने आ रही है। गुरुवार को नारायणपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर समस्तीपुर के ट्रक चालक मुकेश राय को बोलेरो सवार पुलिस ने इसलिए पीट दिया कि उस ट्रक चालक ने एक मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस वाले को बचाने का प्रयास किया तो सामने से बोलेरो सवार पुलिस गाड़ी को बोलेरो को राजमार्ग से नीचे उतारना पड़ा। चालक समस्तीपुर जिले के थाना शाहपुर पटौरी क्षेत्र के मोहनपुर का रहने वाला है। वह गुवाहाटी से गाजियाबाद झाड़ू लादकर जा रहा था। ट्रक चालक मुकेश राय ने बताया कि एक मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाला सड़क में गड्ढा होने के कारण असंतुलित हो गया। उसे बचाने का प्रयास करने में ट्रक को थोड़ा दहना लेना पड़ा तो सामने से आ रही बोलेरो सवार पुलिस गाड़ी एक तरफ से राजमार्ग से उतर गया तो बोलेरो पर सवार पुलिस कर्मी ने लौट कर ट्रक को रुकवाया और यह कहते हुए डंडे से ट्रक चालक को 4 से 5 पुलिस वाले पीटने लगे कि तुम अभी हम लोगों को धक्का मारकर जान मार देता। नवगछिया में सड़क दुर्घटना में युवक घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 पर गुरुवार को हुए सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची नवगछिया पुलिस ने घायल को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया, जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवक की गंभीर स्थिति होने के कारण युवक की पहचान नहीं हो पाई है। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, VIP, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 84 94 855 586। बैग है लेना तो बैग च्वाइस ही है जाना।